सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट का मतलब होता है घबरा जाना। जैसे आपने कोई चीज पहली बार करी तो आप घबरा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मंच पर गया तो मैं पूरी तरीके से घबरा गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज आई फ्रीक्ड आउट कम्प्लीटली। व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज आई फ्रीक्ड आउट कम्प्लीटली। नेक्स्ट डे पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना गर्मी के वजह से, या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश हो जाना के लिए फ्रेजल वर्ब है पास आउट। पास आउट यूज करेंगे बेहोश हो जाना के सेंस में। जैसे इसका एग्जांपल है, वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, शी पास्ड आउट बिकॉज ऑफ द हीट। नेक्स्ट डे काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना, तो भरोसा करने के सेंस में यूज होगा काउंट ऑन का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, यू कैन काउंट ऑन मी। यू कैन काउंट ऑन मी मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना या वितरण करना कोई चीज किसी को, तो बांटना या वितरण करना के सेंस में यूज होगा हैंड आउट फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जाम्पल है, छात्रों को किताबें बांट दो या छात्रों को किताबें वितरण कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट्स मतलब छात्रों को किताबें बांट दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप का मतलब होता है टांगना कपड़ों को, हुक में या फिर हैंगर में जो टांगते हैं आप, तब आप टांगने के सेंस में हैंग अप का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, अपना कोट टांग दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, हैंग अप योर कोट। हैंग अप योर कोट मतलब अपना कोट टांग दो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डिश अप। डिश अप का मतलब होता है परोसना कोई खाने की चीज है। अगर आप किसी को परोस रहे हैं तब आप डिश अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे खाना परोसने के सेंस में। जैसे इसका एग्जाम्पल है, खाना परोस दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, डिश अप द फूड। एक और एग्जाम्पल इसका, खाना कौन परोसेगा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, हु विल डिश अप द फूड मतलब खाना कौन परोसेगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है बासी हो जाना। कोई खाने वगैरह की चीज अगर बासी हो जाती है तब आप गो ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है, खाना बासी हो गया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, द फूड वेंट ऑफ। द फूड वेंट ऑफ मतलब खाना बासी हो गया। और गो ऑफ का एक और मतलब होता है अलार्म वगैरह का बजना, तो अलार्म वगैरह के बजने के सेंस में भी आप गो ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, अलार्म नहीं बजा, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, द अलार्म डिडंट गो ऑफ। द अलार्म डिडंट गो ऑफ मतलब अलार्म नहीं बजा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हीट अप। हीट अप का मतलब होता है गर्म करना। जैसे कोई खाने पीने की चीज है, अगर वो ठंडी हो जाती है तो आप गर्म कर देते हैं उसे, तो हीट अप का यूज करेंगे आप गर्म करना के सेंस में। जैसे इसका एग्जांपल है, मेरे लिए चाय गर्म कर दो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, हीट अप द टी फॉर मी। हीट अप द टी फॉर मी मतलब मेरे लिए चाय गर्म कर दो। नेक्स्ट डे कट इन। कट इन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है बीच में टोकना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको किसी ने बीच में टोक दिया, तब आप बीच में टोकने के सेंस में कट इन का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, जब मैं बात कर रहा हूँ तब बीच में मत टोकना, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग। डोंट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तब बीच में मत टोकना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सिट बैक। सिट बैक का मतलब होता है आराम फरमाना या विश्राम करना। जैसे इसका एग्जांपल है, आराम मत फरमाओ, जाकर कुछ काम करो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, डोंट सिट बैक, गो एंड डू सम वर्क। एंड द लास्ट वन इज काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांत करना किसी को या शांत होना। जैसे इसका एग्जांपल है, आप इस सेंटेंस को अक्सर बोलते हैं, शांत हो जाओ, काम डाउन। एक और एग्जांपल इसका, मैंने उसे शांत किया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे, आई काम्ड हर डाउन। आई काम्ड हर डाउन मतलब मैंने उसे शांत किया। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।